आज रॉयल राजपूत संगठन द्वारा जो मध्य प्रदेश का बंद का आह्वान था, उस मुद्दे में ये प्रेस वार्ता की गई है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे छत्री समाज के मुखिया कहे जाने वाले दादा सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या उनके निज निवास में कर दी गई है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने कल रीवा में, रीवा का है पूरे मध्य प्रदेश में, हम लोगों ने अपने अपने स्तर पर विरोध दर्ज कराया, ज्ञापन दिया और अपनी मांगों को मनवाने का प्रशासन से प्रयास किया, जिसमें हमारे सभी राजपूत भाई एकता का परिचय देते हुए सब ने जीतोड़ मेहनत की। मैं उनका सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा कि अभी हम लोगों को निर्देश मिला है कि हम लोगों की मांगों को 72 घंटे के अंदर पूरा करने का आश्वासन शासन द्वारा दिया गया है, इसलिए हम लोग ये जो प्रदेश व्यापी बंद था उस बंद को अभी समाप्त किए हैं मात्र 72 घंटे के लिए। फिर आगे जैसा हमारे समाज और हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे मुखिया हैं, उन सब का जैसा निर्देश होगा वैसा हमारा रॉयल राजपूत संगठन आगे कदम उठाएगा। मांगे क्या रखे थे आपने? मांगे हम लोगों ने रखा है कि जो दोषी हैं इसमें उनको तो पकड़ के इनकाउंटर या फांसी दी जाए, और इसमें कोई भी बड़ा नेता या बड़ा डॉन जो भी शामिल हो उसको भी बाहर निकाल के उसको भी दंडवत कार्रवाई की जाए, और हम लोगों के जो छत्री समाज के मुखिया के साथ गलत किए हैं उनको न्याय प्रक्रिया के तहत दंड दिया जाए। हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था, क्या पता है आपको? हम लोगों को कुछ पता नहीं है। ये जरूर था कि जैसा समाचार पत्रों में हम लोगों ने सुना है, एक साल पहले से उनको जान से मारने की धमकी मिली थी, उन्होंने बेकायदे राजस्थान सरकार जो प्रेजेंट टाइम में थी उनसे उनने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, उसमें भी लापरवाही की गई, एक भी सुरक्षा नहीं दी गई, उनकी बातों को नहीं सुना गया। और देखिए क्या है, जो भी अपने समाज का या अपने पार्टी का जो भी बड़ा नेतृत्व करता है वो कहीं ना कहीं विवाद के दायरे में आ ही जाता है, तो निश्चित तौर से ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रशासन और सरकार को मुहैया करानी चाहिए थी। ये मानते हैं कि पीछे किसी नेता का हाथ? हम ये बिल्कुल नहीं मानते हैं कि नेता का हाथ है, लेकिन जो जब उस समय जिसकी भी सरकार थी अगर उनसे हम लोगों ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी तो उनका दायित्व ये बन रहा था कि वो आगे बढ़ के और उनकी सुरक्षा व्यवस्था करवाते। हाँ, मैं ये बताना चाहूँ कि सबसे बड़ी चूक तो ये है कि वो राजस्थान सरकार, वहाँ का पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ कि राष्ट्रीय स्तर के एक क्षत्रिय समाज के इतने बड़े नेता जिनका मर्डर हो गया, निश्चित रूप से इंटेलिजेंस फेल हुई, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, ये बहुत बड़ी चूक हुई है। जीवन तो उनका चला गया लेकिन पूरे देश में उबाल आ गया, पूरे देश का क्षत्रिय समाज नहीं अन्य समाज भी उद्वेलित है। सबकी मांग ये है कि हत्यारों को शीघ्र पकड़ा जाए, हत्यारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चले और उनको फांसी की सजा दी जाए, ये हम लोगों की मांग है। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आपने पूछा कि क्या उनके खिलाफ ऐसा कुछ था, शायद आप लोग सब लोग जानते होंगे, पत्रकार हैं आप, जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में माओवादियों ने आज से 2 साल पहले आंदोलन किया था और दुनिया भर के टुकड़े टुकड़े गए और तमाम फलाने ने दुनिया भर की बातें की थी, तो उन्हें ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो ये बड़े बड़े नारे लगाए थे और बड़े बड़े पोस्टर लगाया था JNU में। तो ये हमारे सुखदेव सिंह गोगामणि जी थे जिनने कह दिया कि इस देश के ब्राह्मणों बनिया को कोई छू कर तो बताए और छूने के पहले हमारे तलवार से उनको टकराना होगा। तो वो जामबाज शेर आज हमारे बीच में नहीं रहा, इसका दुख हम सबको है, गहरी वेदना है। जो वीडियो में दिख रहा है कि पहले वो लोग आते हैं चर्चा करते हैं उसके बाद ये हत्याकांड होता है, क्या मानते हैं कि उनका पहले से परिचय था? साहब सबसे बड़ी बात तो आप ये मानिए कि जिस व्यक्ति ने उनको मिलाने के लिए सुखदेव सिंह गोगामणि से जो मिलाने के लिए ले आए थे वो उनसे टच में थे, किससे?
सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की, जो व्यक्ति उनको ले आए। अब सवाल, हाँ, मिलाने के लिए जो ले आए। अब सवाल ये है कि मान लीजिए हम बैठे हैं, ये बैठे हैं, कोई बैठे हैं, कोई हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा है, हाँ, और अगला आदमी जो अंदर आ रहा है वो ये कह रहा है कि फला व्यक्ति मिलना चाहे, अगले आदमी को तो जान रहे हैं कि हाँ ये तो हमारा नज़दीकी है, ये तो हमसे मिलता रहता है। मामला बस यही हुआ है, अगर पुलिस प्रशासन होता, पुलिस की सुरक्षा होती, तो निश्चित रूप से पुलिस अलर्ट मोड में रहती, क्योंकि उनने कहा था कि हमारे जीवन को खतरा है, हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो हो सकता है घर में घुसने के पहले ऐसे ये कुछ जांच पड़ताल कुछ की जाती, तो जांच पड़ताल की जाती तो हथियार वही मिल जाता, तो यकी वो साले निकाल करके उन्हीं के ऊपर अटैक करते, पुलिस वाले के ऊपर, या हाँ अंदर तोड़ जाते, तब तक वो अलर्ट हो जाते क्योंकि गोली की आवाज़ चलती, तमाम ये सब होता तो छुप जाते, जो भी होता किवाड़ बंद हो जाता। तो देखिए मामला तो गंभीर है, अब आप सब लोग भी चिंतन करिए तो आपको लगे अल्टीमेटम वहाँ की हमारी और सब हम लोग पूरे देश के लोग। अब तो ये तो आप जान सकते हैं कि छत्रियों का और जो संगठन है और जो समाज है वो बहुत उद्वेलित है, और अब हमसे जितना बन पड़ेगा, शांतिपूर्ण ढंग से हमने कल भी यहाँ पर रैली निकाली, हमारे रावल राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, लगभग हर जगह, राजस्थान में जरूर उग्र प्रदर्शन हुआ, राजस्थान का चूंकि की घटना थी तो वहाँ स्वाभाविक था, वहाँ ज़्यादा।